सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेजे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59, 60 और आकलन 10 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 56, ए समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना व घटाना। 5/6 में से 3/4 को घटाएंगे हम, तो हम समान हर वाली 3/4 और 5/6 के तुल्य भिन्न बनाने की आवश्यकता होगी। यह हर 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्ती 12 होगा, अतः 5/6 - 3/4 का लघुत्तम अपन गुणा करेंगे 5 को 2 से 6 को 2 से और 3 को 3 से और 4 को 3 से 10/12 - 9/12 = 1/12 होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमें दे रखा है 5/7 + 1/3, इसको समान करने के लिए हम तीन दोनों को 3 से गुणा किया और 1/3 को हमने 7 से गुणा किया, 15/21 आ गया। इसमें से -7/21 निकाल लेंगे तो 8/21 बचेगा। दोनों को नीचे को समान करने के लिए गुणा करना पड़ रहा है, चार बटा 9 + 2/7, 4 को 7 से गुणा किया इस नीचे वाले अर्थ से, 2 को 7 से गुणा किया प्लस 2 को 9 से किया और 7 को 9 से किया गुणा, तो 21/63 + 18/63 = 39/63। चौथे प्रश्न में है 7/11 - 1/3, इसका उत्तर आएगा हम इस प्रकार हल करेंगे 10/33। 2/6 2/5 + 1/6, इसको हम हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 17/30। 1/2 + 1/3 + 1/6, इसको भी हम हर से गुणा करेंगे तो इसका हल आएगा 5/6। 4/3 - 1/2 का उत्तर होगा 5/6। प्रश्न नंबर 2 हल करें। 2/5 में से 1/3 को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा 11/15। 2/3 में 3/7 को जोड़ेंगे 23/21। 3/4 में 1/3 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 5/12। तीसरा प्रश्न है शंकर स्कूल के मैदान का वो सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है, राहुल उसी कार्य को 7/4 मिनट का समय लेता है, इसमें से कौन सा कम समय लेता है और कितना। तो राहुल कम समय लेगा और वो लेगा 9/20 मिनट कम। ये था कार्यपत्रक 56। कार्यपत्रक 57 जोड़ करें, 6.283 में जोड़ना है 3.206, जोड़ोगी 9.489, 7.36 में जोड़ेंगे 3.21, जोड़ोगी 10.55, 2.293 में हम जोड़ेंगे 7.439, जोड़ आएगी इसकी 9.732। प्रश्न नंबर गे 8.274 में 3.329 जोड़ेंगे, उत्तर आएगा इसका 11.603। 5.210 में 4.122 जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 9.332। 0.888 में जोड़ेंगे हम 9.221, उत्तर आएगा 10.119। प्रश्न नंबर 2 घटाव करें के 7.752 में हम घटाएंगे 5.31, उत्तर आएगा 2.721। ख 4.345 में बाकी निकालेंगे 2.129, उत्तर आएगा 2.216। गे 3.999 में बाकी निकालेंगे 1.887, उत्तर आएगा यहाँ 2.112। प्रश्न नंबर गे 4.720 में बाकी निकालेंगे हम 1.982, उत्तर आएगा 2.738। डे
5.717 में से बाकी निकालेंगे 2.31, उत्तर आएगा 3.686। प्रश्न नंबर 6, 9.200 में 7.001 बाकी निकालेंगे तो उत्तर आएगा 2.199। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए दशमलव बिन्नों को गुणा करें, 0.3 को गुणा करेंगे 2 से 0.6, 0.8 को 0.8 से गुणा करेंगे 0.64, 2.2 को गुणा करेंगे 1.5 से 3.30, 0.45 को गुणा करेंगे 0.30 से 1350, 0.1350, 0.60 को 0.20 से 0.1200, 2.35 को गुणा करेंगे 0.15 से 0.3525। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए दशमलव बिन्नों को भाग करें, 0.8 में भाग लगाएंगे 0.2 का, 0.4 बचेगा, 0.35 में 0.5 का भाग लगाएंगे 0.175 बचेगा, 0.32 में 0.4 का भाग लगाएंगे 0.8 उत्तर आएगा, 512 में भाग लगाएंगे 0.08 का 6400, 480 में भाग लगाएंगे 0.12 का 4000, 10.64 में भाग लगाएंगे 0.02 का 532। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, 0.5717 को गुणा करेंगे 100 से 57.170, 289.36 में भाग लगाएंगे 10 का तो 28.936, 245 में भाग लगाएंगे 10 का 24.5, 0.52482 में गुणा करेंगे 100 से 52.482, यथा कार्यपत्रक 57, कार्यपत्रक 58, रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया, बताइए गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा, 15.5 माइनस 10.8 बचा 4.7 यानी 4.7 लीटर। रवि ने 3.5 किलोग्राम प्याज, 2.5 किलोग्राम टमाटर, 2.8 किलोग्राम लौकी खरीदता है, बताइए रवि ने कुल कितनी सब्जी खरीदी, तीनों को जोड़ लिया 8.8 किलोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, चीनी की एक बोरी का भार 48.5 किलोग्राम, बताइए 5 बोरियों का भार कितना होगा, 48.5 को 5 से गुणा किया 200 दिया, 42.5 किलोग्राम होगा। प्रश्न नंबर 4, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 है तो बताइए 12 मीटर का कितना होगा, 43.50 × 12 519 रुपये। तेल के एक पीपे में 18.5 लीटर तेल आता है तो बताइए 129.5 लीटर तेल में से कितने पीपों की आवश्यकता होगी, 129.5 में भाग लगाएंगे 18.5 का 7 पीपे। प्रश्न नंबर 6, एक बस 6 घंटे में 367.80 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए 1 घंटे में कितनी करेगी, 367.80 में भाग देंगे 6 का 61.3 किलोमीटर। सातवां है पिरामिड को पूरा करें, 0.1 और 0.2 जोड़ा तो यहाँ 0.3 आएगा, 0.2 को 0.3 से जोड़ा 0.5, 0.3 को 0.4 से जोड़ा 0.7, 0.5 और 7 को जोड़ा 1.2, 3 और 5 को जोड़ा 0.8, दोनों को जोड़ा 2 आएगा, इसी प्रकार 3.1 और 2.2 को जोड़ा 5.3, 2.2 और 2.1 को जोड़ा 4.3, 2.1 और 3.2 को जोड़ा 5.3, 4.3 और 5.3 को जोड़ा 9.6, 5.3 और 4.3 को जोड़ा 9.6, 9.6 और 9.6 को जोड़ा 19.2 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 2.1 और 1.2 को जोड़ा 3.3,
1.2 और 3.2 को जोड़ा 4.4, 3.2 और 1.6 को जोड़ा 4.6, 4.4 और 4.6 को जोड़ा 9, 3.3 और 4.7 को जोड़ा, 4 को जोड़ा 7.7, 7.7 और 9 को जोड़ा 16.7 उत्तर आ जाएगा। ये था कार्यपत्रक 58, आकलन 10। बिन 2/5 व 1/3 का योगफल होगा 3/8। दशमलव बिन 0.8 इंटू 0.6 का मान होगा 0.48। प्रश्न नंबर 3, रमेश ने अपने ट्रैक्टर में 60 लीटर तेल भरवाया, उसमें से 55.5 लीटर तेल खर्च हो गया। अब ट्रैक्टर में कितना तेल बचा? 60 - 55.5 4.5 लीटर। एक लोहे की पट्टी का भार 8.500 किलोग्राम है, तो 50 पट्टियों का भार 8.500 को 50 से गुणा किया, 425 किलोग्राम। पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए दशमलव बिन को साधारण बिन में बदलें। 0.15 का 15/100, 0.8 8/10, 0.76 76/100, 0.40 40/100। नीचे दिए गए दशमलव बिन को घटते क्रम में लिखें, तो सबसे बड़ी पहले आएगी 4.13, इसके बाद 1.43, इसके बाद 0.41, 0.2 और 0.09। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए दशमलव बिन्नों का मान लिखें, 4.272 प्लस 2.213, इसकी जोड़ होगी 6.485, 6.228 प्लस 2.130 की जोड़ होगी 8.358, 3.102 में से बाकी निकालेंगे 1.279, उत्तर आएगा 1.829, 823, 6.345 में बाकी निकालेंगे 2.103, उत्तर आएगा 4.242। प्रश्न नंबर 8, अभिषेक के पास 7.45 रुपये हैं, वह रुपये 5.30 की टोपी खरीदता है, तो अभिषेक के पास कितने रुपए बचे हैं? 7.45 में से 5.30 बाकी निकालेंगे, 2.15 रुपये बचे। हल करें, 3/11 प्लस 9/11 का इसका हम लघुत्तम लेंगे तो 11, और 11 में 11 का भाग दिया एक बार, एक को 3 से गुणा किया 3। इसी प्रकार 11 का भाग 11 में दिया एक बार, एक को 9 से गुणा किया 9, 3 + 9 12/11। इसी प्रकार 4/9 प्लस 3/5 का लघुत्तम होगा 45, 9 का भाग गया इसमें 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया 20, 5 का भाग दिया 45 में 9 बार, 9 को 3 से गुणा किया 9 × 3 = 27, 20 + 27 47/45, 13/17 प्लस 5/17, 17 का भाग दिया 17 में एक बार 13, 17 का 17 में एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, 13 + 5 18/17, 7/13 प्लस 1/5 दोनों का लघुत्तम 65, 13 का भाग 65 में 5 बार, 5 को 7 से गुणा किया 35, प्लस 5 का भाग लगाया 65 में 13 बार, 13 को 1 से गुणा किया 13, 35 में 13 जोड़ा 48/65 उत्तर आएगा। यह है आकलन 10, कार्यपत्रक 59। कड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोण का प्रकार, न्यून कोण यानी 90 से कम, समकोण यानी 90 डिग्री, अधिक कोण यानी 90 से अधिक और सरल कोण 180 डिग्री का। अब इसमें घड़ियों को देखें, इस घड़ी में हमें कोण यहाँ दिख रहा है 90 डिग्री का, समकोण इस घड़ी में 90 से कम, न्यून कोण इस घड़ी में 90 से अधिक, अधिक कोण इस घड़ी में 180 डिग्री का कोण दिख रहा है, सरल कोण इस घड़ी में 90 से कम, न्यून कोण 90 से अधिक, अधिक कोण निचला है 180 डिग्री का, सरल कोण 90 से अधिक, अधिक कोण 90 डिग्री, समकोण। कार्यपत्रक 60, दक्षता, कोणों को पहचानने में मापने की समझ बना पाना।
दिए गए चित्र में कुछ कोण दर्शाए गए हैं, आप भी अन्य कोणों को ढूंढकर उन्हें पेंसिल से दर्शाइए। जैसे इसमें ये हैं, यहाँ 90 डिग्री, ये 60 का है और ये भी 60 का है, ये 90, ये भी 90 है। प्रश्न नंबर 2, घड़ी में दर्शाइए और बताइए यदि बड़ी सुई 12 पर है तो बताइए। 1/4 घुमाने पर वो आएगी 3 पर, आधा घुमाने पर कहाँ आएगी 6 पर, 1/4 घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री, 3/4 घूमने पर 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे 3 कोण। प्रश्न नंबर 3, मिलान करो सरल कोण को सरल कोण से 180 डिग्री, समकोण को समकोण से 90 डिग्री, समकोण से छोटा 49 डिग्री, समकोण से बड़ा होगा 165 डिग्री। ये था कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59, 60। और भी कार्यपत्रक कल देखने के लिए हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट में हमने सभी कार्यपत्रकों के हल डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं, हमने सभी का हल वहाँ डाल रखा है। इसका हल आपको अच्छा लगा वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।